नमस्कार, आपका स्वागत है आरपीआर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे आई हुई न्यू वैकेंसीज के बारे में, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से फॉरेस्टर की भर्ती आप लोग का आ चुकी है, यानी कि वनपाल की भर्ती, जिसके लिए आज 26/7/2020 की दो नोटिफिकेशन लिंक जारी किया गया है। पहली आप लोग का लिंक जो है वो आप लोग का अप्लाई लिंक है, जो कि 27 जुलाई से आप लोग आवेदन दे पाएंगे। वही दूसरी लिंक आप लोग का जो है वो नोटिफिकेशन की पीडीएफ की है, तो हमने इसको डाउनलोड कर लिए हैं। इसमें पूरी डिटेल्स के साथ जानकारी दी गई है, शॉर्टकट तरीके से आप लोग को जानकारी देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग को बता दें, कुल 13 पेजों में पीडीएफ अभी जारी किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले बता दें, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती आप लोग का होना है, तो वनपाल की आप लोग का भर्ती है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए भर्ती आई हुई है। तो भर्ती जो आप लोग का कुल 236 पदों पर हो रही है। जी हाँ, 236 पदों पर यह भर्ती आप लोग का हो रही है। इसके लिए आप लोग का जो ऑनलाइन अप्लाई होगा वो 27/7/2020 से स्टार्ट होगा, यानी कि कल से स्टार्ट हो जाएगा। वही बात करेंगे अंतिम तिथि की, तो 10/9/2020 तक आप लोग का इसकी अंतिम तिथि लास्ट डेट रखा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप लोग को बताना चाहेंगे इसमें जो इम्पोर्टेंट जानकारी दी गई है, इस प्रकार से आप लोग जो है जो आप लोग का पद संख्या किस कैटेगरी में कितनी है, यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, ठीक है। महिला और पुरुष के लिए दोनों के लिए यहाँ पे दिया गया है। इसी के साथ और भी यहाँ पे आगे देख पाएंगे, तो आप लोग का जो है कट ऑफ रखा गया है एज की, वो आप लोग का 1 जनवरी 2020 तक निर्धारित की गई है, यानी कि 1 जनवरी 2020 से पहले पहले आप लोग का जो है एज जो है 18 वर्ष हो जाना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो है महिला वर्ग के लिए 35% का आरक्षण भी यहाँ पे रखा गया है। तो अब आप लोग को बता दें, यहाँ पे जानकारी दी जा रही है कि अभी जो है जो अभी वनपाल की भर्ती है, फॉरेस्टर की भर्ती है, इसके लिए आप लोग का न्यूनतम यानी कि शैक्षणिक जो योग्यता है वो आप लोग का मान्यता प्राप्त बोर्ड या फिर विश्वविद्यालय या फिर काउंसलिंग से इंटर विज्ञान अथवा जो है समकक्ष उत्तीर्ण यहाँ पर होना होगा। तो इम्पोर्टेंट ने ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों ने इंटर पे विज्ञान लेके इंटर किए हुए हैं तो आप लोग आवेदन दे पाएंगे, या फिर इसके समकक्ष इसके बराबर कोई भी जो है कोर्स किए हैं, चाहे सरकारी से हो या फिर गैर सरकारी से हो, तो आप लोग यहाँ पे आवेदन दे पाएंगे। इसी के साथ आप लोग को बता दें, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे सभी कैटेगरी के लिए आप लोग का जो है एज का यहाँ पे गणना दी गई है। जितनी भी जो है सामान्य कोटा के अभ्यर्थी है, चाहे मेल हो या फीमेल, सभी के लिए जो एज लिमिट यहाँ पर रखा गया वो 18 से लेकर 25 तक रखा गया है। जी हाँ, 18 से 25 तक एज लिमिट रखा गया है, और सभी और भी जो कोटि के अभ्यर्थी हैं उनके लिए अलग अलग रखा गया, चाहे ST हो, चाहे SC हो या फिर OBC हो, ठीक है, सभी के लिए अलग अलग रखा है, आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। तो आप लोग को बता दें, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो भर्ती आप लोग का ऑल इंडिया लेवल है, यानी कि इंडिया के किसी भी कोने से अभ्यर्थीगण इस 236 पदों पर आवेदन दे सकेंगे। जो आवेदन प्रक्रिया आप लोग का कल से यानी कि 27/6/2020 से स्टार्ट होने जा रही है। तो इस वीडियो में आप लोग को शॉर्टकट इन्फॉर्मेशन दे दी, और भी अत्यधिक अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग हमारे फेसबुक के साथ जुड़ जाइए, फेसबुक पेज के साथ और टेलीग्राम ग्रुप के साथ, वहाँ भी हमने जो है समय समय पर रोज़ाना आप लोग को अप टू डेट करते रहते हैं बिहार से रिलेटेड और वैकेंसी से रिलेटेड। और अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो यहाँ तक देखे हैं, अब आप लोग को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए जो इम्पोर्टेंट हो, हमें कमेंट कीजिए, आप लोग का रिप्लाई देंगे। अगर जो लोग बिना देखे यहाँ पर कमेंट करेंगे उनका रिप्लाई नहीं दिया जाएगा, साफ साफ तौर पे आप लोग को बता दिए। तो अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए, वीडियो पसंद आया, वीडियो की जानकारी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा वरना डिसलाइक कर दीजिएगा। बिहार के वैकेंसीज़ की अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, आगे भी आप लोग को इसी तरह इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगी। तो चलिए मिलते हैं बिहार के और एक अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।